सभी लोगों को जैसे पता है आईपीओ का एनालिसिस के लिए हम एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसके थ्रू हर्षा इंजीनियर्स जो है उस कंपनी के ऊपर एनालिसिस हम दे रहे हैं। सो मिस्टर बीरेन जो है अभी एडवांस डिप्लोमा स्टूडेंट, वो प्रेजेंट करेंगे और उसके थ्रू हम लोग अभी देखना चाहेंगे कि कोई भी आईपीओ है उसको हम कैसे एनालिसिस करेंगे और आईपीओ को हमें सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करेंगे तो उसके ऊपर हम उसको ओपनिंग के डे में निकल जाना है या उसको होल्ड करना चाहिए, ये सब चीजें हमें देखना है। कहाँ से देखेंगे उसका बैलेंस शीट, कैसे क्या देखेंगे। सो लेट अस वेलकम मिस्टर बीरेन, एडवांस डिप्लोमा स्टूडेंट। मिस्टर बीरेन वेलकम एंड कंटिन्यू। थैंक यू सर। मैंने आईपीओ एनालिसिस किया है हर्षा इंजीनियरिंग इंटरनेशनल लिमिटेड का। फर्स्ट हम जानेंगे कि आईपीओ होता क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी अपने को खुद वो कुछ होल्डिंग उठाना चाहे, कोई फंडिंग उठाना चाहती है या खुद कुछ एक्सपांड करना चाहती है बिजनेस को, या उसको कुछ फंड की नीड है, तो वो मार्केट से फंड उठाने के लिए अपना अपनी कंपनी का कुछ शेयर वो पब्लिक को ऑफर करके उससे वो फंडिंग उठाती है मार्केट से। इसको इसलिए बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ के थ्रू। और जो हम जो ट्रेडिंग करते हैं उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, और जो आईपीओ से कंपनी लिस्ट होती है उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। और जो जब कंपनी को इस तरह कुछ भी लोन पे करना है या उसको एक्सपांड करना है या किसी प्रमोटर को अपना स्टेक बेचना है, तो वो मार्केट के अंदर पब्लिक को ऑफर करती है कि मेरा इतना शेयर होल्डर या मैं इतने अपनी कंपनी के शेयर मैं पब्लिक को ऑफर करना चाहता हूँ, तो उसके उसके ऊपर वो पब्लिक से फंड मांगती है। नेक्स्ट हम कंपनी का ओवरव्यू देखें तो हर्षा इंजीनियरिंग इंटरनेशनल लिमिटेड वो अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। चांगोदर में उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और वो स्पेशली वो बेयरिंग केजिस के पार्ट्स बनाने में उसकी एक्सपर्टीज है। उसके दो बिजनेस है, इंजीनियरिंग बिजनेस जो बेयरिंग केजिस ब्रास स्टील पॉलीमाइड मटेरियल के बनाती है, और सोलर ईपीसी बिजनेस में भी उसका काम काज है। वो उसमें सोलर फोटो वोल्टेनिक रिक्वायरमेंट्स में वो उसका बिजनेस है उसके अंदर। इससे उसके दो बिजनेस है, तो हो गया ये बेयरिंग केजिस और ये सोलर के अंदर जो प्रोडक्ट बनाती है वो। मेन ये कंपनी जो इश्यू ला रही है उसकी हम डिटेल्स देखेंगे कि इश्यू की डिटेल्स क्या है। कंपनी जो जो शेयर को इश्यू किया है उसकी फेस वैल्यू 10 10 रुपीज़ है। ऑफर फॉर सेल मतलब कि कंपनी में बहुत सारे पार्टनर्स हो गए, प्रमोटर्स हो गए, तो उसमें से किसी एक को अपना स्टेक बेचना होगा जो कंपनी के अर्ली स्टेज से इन्वेस्टमेंट करके बैठा होगा। और कभी इसकी कंपनी अभी पब्लिक हो रही है तो उसको अपना बुक प्रॉफिट बुक करना होगा, तो उसमें ऑफर फॉर सेल 300 करोड़ का है और कंपनी ने 455 करोड़ के फ्रेश इश्यू शेयर को इश्यू किया है कि पब्लिक को देने के लिए फ्रेश इश्यू किया। किसी प्रमोटर ने ये अपने शेयर नहीं दिए, सिर्फ 300 करोड़ का स्टेक दिया है, बाकी के 455 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इश्यू किया है। इसलिए टोटल अमाउंट वो जो पब्लिक से लेंगी तो वो है 755 करोड़ का। कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है 314 to 330 रुपीज़ का, 45 करोड़ साइज है। और जब ये आईपीओ खत्म होगा उसके बाद जो भी देखते मोस्टली हायर साइड पे 330 पे सब्सक्राइब होगा तो कंपनी का एम कैप बनेगा 3 3 हज़ार करोड़ का। ये जो 300 करोड़ का जो वो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, इसमें से कोई कोई प्रमोटर सेल करेगा तो कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है अभी जो 99.7% है वो कम होके 74.6%, मतलब कि ये जो अपना स्टेक बेच रहे हैं उससे भी प्रमोटर होल्डिंग उनकी स्ट्रॉन्ग ही है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उनको इतना। तो ये एक अच्छी बात है कि इतना बड़ा भी, जैसे पेटीएम था तो उसने बहुत बड़ा स्टेक कंपनी अपना बेच दिया था, जैसे 20,000 करोड़ में से 10,000 तो उसके खुद का स्टेक ही बेचा था उसने, मतलब कि इतना भी स्टेक नहीं बेच रहे कि अभी अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है या लोगों को चुना लगाना, ऐसा कोई आईपीओ नहीं, क्योंकि इनका प्रमोट होल्डिंग भी स्ट्रांग रहेगा ये स्टेक बेचने के बाद भी। नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव इश्यू। और कोई कंपनी है, धंधा तो अच्छा ही कर रही है, प्राइवेट लिमिटेड कोई भी हो,
तो पब्लिक क्यों होगी ये एनुअल मीटिंग की झंझट में, शेयरहोल्डिंग की झंझट में क्यों पड़ेंगी? तो क्योंकि जब तक प्राइवेट लिमिटेड है वो हर डिसीजन खुद ले पाएंगी, किसी को पूछना नहीं पड़ेगा। तो जब पब्लिक होगी तो हर चीज के लिए शेयरहोल्डर को पूछना पड़ेगा, उनको खुद की सैलरी के लिए भी पूछना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव है कि उनको फंडिंग चाहिए, तो फंडिंग क्यों चाहिए वो एक देखना नजरिया होता है। अब कोई कंपनी होती है उस पर डेप बहुत ज्यादा है, वो अपनी लोन पे करने के लिए आईपीओ ला रहा है, तो उसका मतलब नहीं, क्योंकि बिजनेस तो बनने नहीं वाला। वो तो खुद के पुराने लोन पे करने के लिए आईपीओ ला रहा है, तो उसका मतलब नहीं है। अब जो फ्रेश इश्यू 455 करोड़ का है, कोई 300 करोड़ तो वो प्रमोटर ले जाएगा जिसने स्टेक बेचा है। कंपनी को कितना मिल रहा है? 455 करोड़। उसमें से 217 करोड़ का वो अपना कुछ शेड्यूल पेमेंट है, उसका कुछ लोन है वो पे करेगा, जिससे कंपनी की बैलेंस शीट पे बर्डन कम हो जाए। 78 करोड़ का वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि उसको कुछ मशीनरीज या कुछ कंपनी के अपने प्रोसेस को बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए खर्चा करेंगे। और 7 करोड़ जो उसके वर्किंग कैपिटल है, रिनोवेशन रिपेयरिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी के लिए यूज करेंगे। तो ये भी ऑब्जेक्टिव अच्छा है कंपनी का। देन हम देखेंगे की फाइनेंशियल। अब की फाइनेंशियल लेके ये तो सिर्फ नॉर्मल फाइनेंशियल है कंपनी के, ईयरली टू ईयरली कि सेल्स कितनी है। अब फाइनेंशियल 20 से 22 का डेटा है अभी हमारे पास। देखा जाए तो ग्रेजुअली मोस्टली इंक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट भी उनका इंक्रीज हुआ है, ईबिटा इंक्रीज हुआ है, अर्निंग पर शेयर 2.4 से 10.1 तक चला गया है, मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है 2 साल के अंदर। मतलब कंपनी और उसका पी 137 से घट के 32 हो गया है, मतलब कि कंपनी ने अच्छा बाउंस बैक किया है, कोविड में भी सरवाइव कर पाई है अच्छी तरह। इतना लॉकडाउन, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी को लॉस हुआ है फिर भी कंपनी सरवाइव कर पाई है, मतलब कि कंपनी के पास बिजनेस अच्छा है, वो टिक पाएगी स्मॉल कैप होने के बावजूद। नेक्स्ट ये सब बैलेंस शीट है, ये मैं आपको उसके रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट से समझाऊंगा। मैंने इस पर हाइपरलिंक लगा दी है, मतलब कोई भी इसके हेडिंग पे क्लिक करेगा ना उसको मिल जाएगा। मैं एक बार हमको फाइनेंशियल दिखा देता हूँ आपको। इसे देखा जाए, सबको दिख रहा है ना? कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके, एक कंपनी के जो एसेट है उसकी लायबिलिटीज कितनी है, लोन एडवांस कितना है, उन पूरा डिटेल्स आप इस यहाँ से समझ सकते हैं कंपनी का, कि उसका एसेट है कितना है, फिर उस पे लायबिलिटी करंट नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है, उसने बोरोइंग कितना किया है, वो पूरा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देन उस कंपनी का जो बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देन कैश फ्लो, बहुत कैश फ्लो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कंपनी हर चीज में ऊपर नीचे कर सकती है, कुछ गलत कर सकती है बैलेंस शीट में, पर कैश फ्लो के अंदर तो जो दिखेगा वो दिखेगा ही। तो उसमें आपको पता होगा कि कैश फ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 3 तरह से कैश फ्लो आता है कंपनी का। मतलब कि कंपनी ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल से कैश फ्लो कमा रही है। देन कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब कि उसने कुछ इन्वेस्ट किया होगा। फाइनेंस एक्टिविटी में कुछ उसने लोन पे किया होगा। उसके हिसाब से हम देखा जाए तो कंपनी के पास कैश फ्लो बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अगर हम बाकी सब प्लस माइनस कर दें तो कैश फ्लो बच रहा है कि नहीं बच रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन तो नहीं आ रहा है कंपनी के ऊपर, वो भी हमको पता चलता है इससे। तो जैसे देखा जाए तो फाइनेंशियल मार्च 2020, इसे क्वार्टरली है अभी, क्वार्टरली नहीं, ओके, ये है ईयरली टू ईयरली का कैश फ्लो स्टेटमेंट है कंपनी का। मोस्टली जैसे ईयरली के हिसाब से, उसके ऑपरेशंस के हिसाब से उसका कैश फ्लो ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब इतना भी लॉस में, या ऐसा नहीं है कि भी कंटिन्यूस सालों से वो लॉस में ही है। जैसे बहुत सारी दूसरी कंपनी होती है, जोमेटो, पेटीएम, कि उनका देखोगे तो आपको कैश फ्लो में सब माइनस में दिखेगा, और बहुत बड़े फिगर में दिखेगा माइनस में, मतलब कि कंपनी कुछ कमाई नहीं रही है, कमा रही है लोन पे कर देती है, और उसको कंपनी चलाने के लिए दूसरी लोन उठाती है, वो साइकिल चलता रहता है। ऐसा कोविड का फॉल आता है तो कंपनी पूरी कोलेप्स कर जाती है, तो ऐसा सिचुएशन नहीं है कंपनी का, ये भी हेल्दी पोजीशन में है कंपनी अभी भी। और आप देख सकते हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, मतलब सबको प्लस माइनस करने के बाद कितना बच रहा है उसको,
तो मोस्टली ये लोग प्रॉफिट प्लस में है, मतलब कि एक्स्ट्रा कैश फ्लो को भी वो यूज कर सकते हैं कंपनी के ऑपरेशन और एक्सपांड करने के लिए। ये हो गए पूरा फाइनेंशियल, आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं, मैंने हाइपरलिंक लगा लिया है इसके अंदर, ये कैश फ्लो। जैसे ग्रे मार्केट डाटा, अब कंपनी का ग्रे मार्केट डाटा भी है, जैसे अभी इस कंपनी का ग्रे मार्केट डाटा मैंने लेटेस्ट देखा तो 70% ग्रे मार्केट डाटा दिख रहा है अभी उसका, इसमें भी मैंने हाइपरलिंक लगा दिया है। जैसे अभी इसमें सुबह का दिख रहा है पर मैंने लेटेस्ट देखा ना तो अभी 70% ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। अब जो लोग अभी फाइनेंशियल कैलेंडर देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि अभी इवेंट्स आने वाला है, जैसे फेड का इवेंट आ रहा है रेट हाइक का और उसके बाद हमारा आएगा, ये अभी बहुत सेंसिटिव इवेंट है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इतना ग्रे मार्केट प्रीमियम तो है कि भी बुरे से बुरा इवेंट हुआ कुछ तो चलो हम इसका कितना इरोड होगा ग्रे मार्केट, 50% इरोड होगा, तो 70 का 35% तो लिस्टिंग गेन मिल ही सकता है हमको। तो उसके हिसाब से अभी भी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत अच्छा चल रहा है कि कभी ऐसा हुआ सब सेलिंग हो गया मार्केट टूटने लगा तो भी हम इतने, अगर आईपीओ हमने भर भी दिया, आईपीओ हमने अप्लाई कर भी दिया फिर भी हम कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे, इसलिए सबको लॉस नहीं होगा कुछ तो हमको। अब 35% भी मिलता है तो बुरी कोई बुरी बात नहीं है, 15 दिन में आपको 35% का गेन मिल रहा है तो बुरी बात नहीं है। और नेक्स्ट हम उनसे आगे जाते हैं, आईपीओ एनालिसिस। हमने पहले क्या देखा, पहले से एक बार बता देता हूँ मैं आपको, एक तो कंपनी का ओवरव्यू, देन इश्यू साइज से हमको पता चलेगा कि कितना वो स्टेक बेच रहे हैं, कितना ऑफर फॉर सेल है, देन कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ का वो हमको देखना है कि फंड का क्या यूज करने वाले हैं, देन उसका फाइनेंशियल देखेंगे कि भाई उसकी बैलेंस शीट कैसी है, अच्छी है बुरी है, वो लॉस कर रही है प्रॉफिट कर रही है कमा रही है क्या कर रही है। जैसे LIC थी, बहुत सारी पेटीएम थी, वो हमने एनालिसिस कर लिया था, फ्रेंड्स फैमिली को बता दिया था कि नहीं भरने जैसा है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम वो भी है, वो एक कॉन्फिडेंस देता है क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम में वो शेयर इतना प्रीमियम पे है, मतलब कि बहुत सारे ऐसे एंकर इन्वेस्टर HNI को कुछ ऐसी नॉलेज पता है जो हमको नहीं पता है और वो प्रीमियम पे भी शेयर उठा रहे हैं मार्केट से, वो भी एक इंडिकेशन है। पर सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम पे भी हम नहीं जा सकते, ये एक सिर्फ हमको एक सपोर्ट देता है, एज देता है हमको, बाकी सब तो हमको ये जो सामने पहले हमने जो एनालिसिस किया वही एनालिसिस करते हैं हम। और आईपीओ समरी, जैसे प्रमोटर होल्डिंग, आईपीओ के बाद भी प्रमोटर का पूरा कंट्रोल रहेगा कंपनी पे, मतलब थर्ड पार्टी टेक ओवर या ऐसा कुछ होने का चांस नहीं रहेगा। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन है कंपनी की, वो प्रॉफिट कर रही है, 2020 के फॉल में भी लॉस नहीं किया, कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसका पी भी वो स्पीड में कम हुआ, वो कंपनी अच्छी वैल्यूएशन पे है अभी। और वो अभी जो उसका जो स्टील गेज बनाती है, जो बियरिंग गेजिस बनाती है, उसमें भी वो भी अच्छे प्लेयर, अच्छा प्लेयर है वो, लीडिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम अट्रैक्टिव है। मतलब कि ऐसे ऐसे हम पॉइंट्स को ढूंढ के आईपीओ को लगाना चाहिए, उस तरह हम एनालिसिस कर सकते हैं। दैट्स इट, यही था सर, और कुछ किसी को क्वेश्चन हो तो। ठीक है, सो कल जैसे डिस्कस कर रहे थे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसी कंडीशन में, सो ओवरऑल आईपीओ को कहाँ पे, अच्छा जो जो साइट आप देखते हो वो थोड़ा सा दिखाओ। साइट में तो मैं मोस्टली, हाँ तो आईपीओ एनालिसिस कर लिए, साइट जो जो साइट है एक एक करके बता दो। मैं सर पहले चित्तौड़गढ़ करके साइट है उस पर मैं क्या देखता हूँ कंपनी, क्योंकि तो पूरा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट पढ़ने का सबको टाइम होता नहीं है, तो मेन मेन क्या चीज होती है, जैसे कि ये हर्षा इंजीनियरिंग है, इसमें आपको देखो कंपनी का पूरा ओवरव्यू पता चल जाएगा। वेट, हर्षा इंजीनियरिंग कंपनी है। अब ये कंपनी क्या आईपीओ लाने वाली है, कंपनी का ओवरव्यू क्या है, क्या इश्यू है कंपनी के बारे में, ये लोग क्या है, ये पूरा ये लोग समरी बना के दे देते हैं रेडीमेड, तो हमारे लिए इजी रहता है। जैसे इसका जो आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या बिजनेस है उसका, वो कितना सब्सक्राइब हुआ है अभी, तो लोगों का कितना इंटरेस्ट है, फिर उसका शॉर्ट में उस कंपनी का एसेट इनकम नेट प्रॉफिट वो सब दिखा दिया ईयरली टू ईयरली। यहाँ से एक और व्यू आ जाता है कि आईपीओ कैसा है, और डिटेल में किसी को पढ़ना है तो हम क्या करते हैं गूगल में जाते हैं, जैसे
हर्षा इंजीनियरिंग, उसका हम प्रोस्पेक्ट डाउनलोड करते हैं, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट बोलते हैं उसको, उसकी फाइल आपको मिल जाएगी। इसके अंदर जो कंपनी आईपीओ ला रही है उसकी पूरी डिटेल है। अब कोई एज अ इन्वेस्टर है तो पूरा पढ़ के, जिस तरह इसके अंदर देखो जनरल इंट्रोडक्शन, कंपनी के बारे में डिटेल में, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी की डिटेल के अंदर, ऑफर इंफॉर्मेशन क्या है, तो वो पूरा डिटेल के अंदर आप इसके अंदर जान सकते हो। किसी को इंटरेस्ट है कि भाई मेरे को एज एज ए इन्वेस्टर मेरे को लॉन्ग टर्म रखना है, कंपनी में पोटेंशियल क्या, इतना लेवल क्या है, देखो सोचना है, जैसे तो इसे फाइनेंशियल है तो पूरा यहाँ से स्टेटमेंट, मोस्टली आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे आपको पता चल जाएगा कंपनी क्या करी कैसे करी, ये पूरा डिटेल में उसका बैलेंस शीट और वो सब है, तो वो पूरा आप स्टडी कर सकते हो। तो मेरा मोस्टली अप्रोच क्या रहता है कि पहले चित्रोगढ़ वेबसाइट पे ये पूरा मैं ओवरऑल देख लेता हूँ, फिर इसका रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट में उसका फाइनेंशियल देख लेता हूँ, उससे मुझे आइडिया आ जाता है कि मुझे ये सब्सक्राइब करना चाहिए ना नहीं करना चाहिए। से भी डाउनलोड कर सकते हैं ना? अच्छा, हाँ कर सकते हैं, सेवी कर सकते हैं, डायरेक्ट मिलता है डायरेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो कहीं से भी इतना करो। देखो वेबसाइट में कर रहे हैं, और मेरे का टैब देखा है कितना टैब खुला है, इससे आपको पता चल रहा है वो कितना तरीका से पढ़ रहा है, बुरी तरीका से, ठीक है। हाँ 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 डिटेल बताओ, दोबारा बताओ डिटेल। ये डिटेल जैसे मुझे मान लो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस निकालना है, तो कहाँ से ओके, निकालोगे बिरेन बताओ? डायरेक्ट आपको गूगल से भी मिल जाएगा मोस्टली। मैं तो डायरेक्ट गूगल से निकालता हूँ। आपका साइट से मिल जाएगा, बीएससी साइट से मिल जाएगा, बहुत सारे साइट अवेलेबल है, बट आपको गूगल में सर्च करो स्ट्रेट वे आ जाएगा। और इंजीनियरिंग प्रोस्पेक्ट लिखो सिर्फ आप, उसमें क्या रहता है कि जैसे अभी अभी इसका रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट है, अब जैसे आईपीओ का पीरियड खत्म होगा ना उसका फाइनल प्रोस्पेक्ट आएगा, उस पर थोड़ा अपडेटेड डिटेल रहेंगी। और हमको तो यही चाहिए, देखो ये अब जैसे मैंने पहले दिखाया था ना, सेबी का साइट में भी आएगा, हर जगह पे हाँ आपको दिखेगा। हाँ जैसे स्टार्टिंग में दिखाया था, जैसे देखो कि इसके बुक बुक रनिंग लीड मैनेजर, मतलब ये जो आईपीओ लाने के लिए जो जो कंपनी के एसोसिएट है ना उनकी साइट पे भी मिल जाएगा। जैसे एक्सिस बैंक का था, एक्सिस कैपिटल में मिल गया, बहुत सारे ऐसे जैसे ये एक्सिस कैपिटल में मिल गया, और सा इंजीनियरिंग खुद के साइट पे भी मिल जाएगा, और सेबी के की साइट साइट में पे भी पहले मिल, वैसे देखिए मिल जाए, सेबी की साइट है, तो ठीक है ना? आप सो अंदर से ढूंढने जाओ डायरेक्ट भी मिल जाएगा। जैसे फाइल अगर ऐसा है ना, तो देखो फाइलिंग में क्या है, फाइलिंग में प्रोसेसिंग स्टेटस नहीं, पब्लिक इश्यूज, पब्लिक इश्यू के अंदर ये रहा रेड हियरिंग डॉक्यूमेंट फाइल विद आरओसी, यहाँ पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा पूरा ये हर्षा इंटरनेशनल। ये डिटेल आ गया उसके अंदर, फिर उसके अंदर से आप देखोगे। ये पूरा आपको मिल जाएगा यहाँ से। सो बेसिकली जो है कि हमें कभी भी आईपीओ लेना है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें इसी तरह का एनालिसिस करना है, ठीक है। फिर उसके लिए जो टर्म्स है, अभी कैसे कैश फ्लो हो रहा है, कहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो बैलेंस शीट पढ़ने के लिए, सो हमारा जो फंडामेंटल सेशन के थ्रू बैलेंस शीट पढ़ोगे, और एक दिन में सब कुछ नहीं होगा, बट ये धीरे 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 आपको देखना है, ठीक है। मतलब जैसे है कि इसके अंदर हम लोग एक बताया जाता है कि इसमें रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है, क्या करेंगे, कंपनी किस लिए पैसा उठा रहे हैं, किस किस चीज के लिए करेंगे, उसका तो पूरा एंटायर लेखा जोखा जो है उसके अंदर रहेगा। सो उसी हिसाब से वो पैसा का यूटिलाइज होगा, एक ऑडिटेड डॉक्यूमेंट से भी उसको परमिशन देता है, ठीक है ना। सो ये पूरा डॉक्यूमेंट जैसे आपके पास समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हमें इसी के लिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अभी सभी चीज जो जैसे हमने डिस्कस किया, तो इस कंडीशन में ये जो आईपीओ आया है ये अभी हमारे लिए लग रहा है कि इससे गुड आईपीओ, ठीक है। बट कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एज पर लिस्टिंग, लिस्टिंग में गेन हो सकता है, तो हम अगर यहाँ पे लगाते हैं इस आईपीओ को, सो वी कैन हैव ए लिस्टिंग गेन, लिस्टिंग गेन लेके निकल सकते हैं। ये बहुत ह्यूज, बहुत लंबा रखने का, क्योंकि इस लंबे कंपनी कभी भी कहीं भी होता है तो नीचे आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग होगा, बहुत सारी चीज हो सकता है। सो अभी इसको क्या करेंगे हम, जैसे हम अगर अप्लाई करते हैं, जैसे ही ओपन होगा,
प्रॉफिट आएगा वी कैन स्क्वायर अप, वी कैन बुक द प्रॉफिट, फिर उसको छोड़ेंगे, फिर आगे जाके आएगा तो लिस्टिंग होगा, फिर देखेंगे तो बात की बात। सो इतना जो एक्सरसाइज करने का, और मिस्टर बिरेन जो मेहनत करके, मैंने कल रात को ही बोला कि ये करना है, तो रात को 11 बजे की बात हुआ है, ठीक है। सो बोला कि आई रेडी टू प्रेजेंट, तो वो जल्दी सो जाता है, सुबह उठ के वो करके ही इज नाउ रेडी। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। सो इसी प्रोसेस में आपको रिसर्च करना है, आगे जिसको जो टास्क मिलेगा इसी हिसाब से आपको भी सिंसियरली आपको करना है, और आपके जैसा है। हाँ, मैं वो पेमेंट कर दूंगा, मैं इसका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी रखा हूँ वो भी कर दूंगा, तो ये सब चीजें। बट मैं तो डिटेल तो देता हूँ, बट आपको क्या करना है, कहाँ से ये सिस्टम बना है आप वो ढूंढने की कोशिश करो। जैसे मैंने पैटर्न फाइंडर आपको दिया था, कहाँ से मिल रहा है, कैसे हो रहा है, तो इसी तरह का आईपीओ का हमारा कहाँ से निकाला, बट एक फॉर्मेट में आपको दे देता हूँ कि धीरे 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 आप जैसे अभी फंडामेंटल का सैटरडे संडे को होगा तो सर को पूछो, फिर उसी हिसाब से कहाँ से देखना, क्या देखना है उसे कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बिरेन, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू। चलो ग्रेट, सो इट्स राइट। और बिरेन से आपको जैसे जैसे ऐसा होगा टास्क में देता रहता हूँ थोड़ा, तो आप लोगों का भी वॉलेंटियरली आपका अंदर जो जो जिसको जो कॉन्फिडेंट है, अगर आप कोई भी टॉपिक बोलोगे तो मैं उसके ऊपर प्रिपरेशन करके कर सकते हैं, तो यू कैन अपॉर्चुनिटी मिलेगा, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑल्सो, ठीक है ना। सो थैंक यू बिरेन, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन। सो होप सभी लोगों को है, और कोई चीज मनोज साहब हैं कुछ बोलना चाहेंगे बिरेन के बारे में, कैसा रहा प्रेजेंटेशन? सर बहुत ही बढ़िया रहा, थैंक यू बिरेन भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट नेक्स्ट आईपीओ। थैंक यू सर। चलो थैंक यू एवरीबॉडी। बिरेन Thank you, sir. Thank you, sir.